सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हलचल क्या बोलती पब्लिक चल मचा दे वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों सम्मान के साथ आपका नई व्लॉग में स्वागत है। मेरे लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है, बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने बच्चे को और अपनी बीवी को लेने हॉस्पिटल से घर लेके आऊँगा। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो दोस्तों हॉस्पिटल चलते हैं और सारी प्रिपरेशन करवाते हैं और पैकिंग करवाएंगे और चली से चल अपने बच्चे को घर लेके आएंगे और अपनी बीवी को घर लेके आते हैं। तो चलते हैं हॉस्पिटल। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। संडे मंडे धीरे धीरे हाँ दानियल अब आप वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। धीरे 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 मम्मी बुला रही है आपकी। रायना रायना मम्मी कुछ कह रही थी धीरे। तो दोस्तों मैं आपको हॉस्पिटल के नज़ारे दिखाता हूँ, यहाँ पर किस तरह से हॉस्पिटल में लोग सो रहे हैं ठंड में और आड़े तिरछे पड़े हुए हैं बिल्कुल और बेहाल पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी व्यवस्था नहीं है। और इसी वजह से क्या है कि जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर लोग सो रहे हैं, और ये गाँव के लोग हैं और जहाँ भी जगह मिलती है बेचारे सो जाते होंगे। तो आप ये देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ये हालत है। और ये महाराष्ट्र तो बिल्कुल ऐसे टुन्न पड़े हैं, पैर ऊपर और धड़ नीचे, पता नहीं नीचे नहीं गिर गए हों। और ठंड बहुत ज़्यादा है। The next morning. दीदी हमने आपका बिस्तर कला है। हाँ बिस्तर कर दिया बेबी का। तो दोस्तों आज छुट्टी हो चुकी है हॉस्पिटल से और बीवी और बच्चे को घर लेके आ गया हूँ मैं, और काफ़ी एक्साइट हैं सब घर वाले। अम्मा भी आ गई थी और अम्मी भी है, तो बेबी आ चुका है हमारा माशाल्लाह। मुबारक हो।
क्या बोल रहे हैं बकरे, क्या बोल रहे चलो माशाल्लाह के बकरे भी मुबारकबाद दे रहे आराम से आराम से आराम से जाना सा हाँ चेकअप करवा दिया तो बेबी का वेट भी लग गया और बेबी की मम्मा का। रायना पी कैसा लग रहा आपको? अच्छा, मेरा भाई आ गया। अरे वाह यार, भाई नींद में है। अच्छा वो बड़ा वाला बस स्टैंड पे बगीचे। तो दोस्तों दानियाल अप्पी ने और रायना अप्पी ने टॉयस निकाल ली हैं और बड़ी मुश्किल में है ना ये बाहर लेके आई हैं और कह रही थी कि अपने भाई को हमें टॉयस से खिलाना है और खुद खेलने लग गई यहाँ पर। और दानियाल को देखो वो कार चला रही है वहाँ पे कब से और मैं बुला रहा हूँ तो आ नहीं रही। दानियाल इधर आओ ना यार। अब्बू अब्बू आप किससे बात कर रहे हो? अरे भाई का है यार, भाई से ले लेती हूँ सब चीज। भाई को खेलने दोगी कि नहीं? भाई भी नाराज हो गए ना। भाई नाराज होगा, अपने भाई को नाराज कर दिया। आप कार से खेल लो, फोन दे दो जरा बच्चे भी ना। तो फाइनली दोस्तों मैं बेबी को घर लेके आ चुका हूँ और बेबी घर आ चुका है और ये बहुत खुशी की बात है कि सही सलामत बेबी को हम घर ले आए हैं। दानियाल का जो भाई है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत खुशी की बात है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह ताला ने इस नियामत से नवाजा मुझे। तहे दिल से मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी दौलत उन्होंने मुझे दी है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो दोस्तों मैं अपने बीवी बच्चे को घर ले आया हूँ और अल्लाह ताला ने मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट कर दी। एक मुझे रहमत भी दे दी और एक नियामत भी दे दी। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर और बीवी और बच्चे दोनों फर्स्ट क्लास हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और दोस्तों एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे कि बेबी का मुझे नाम रखना है, अपने बेबी बॉय का नाम रखना है। तो आप कमेंट्स करके अच्छे अच्छे नाम बताइएगा कि जो भी बेहतरीन नाम होगा इंशाल्लाह वो हम रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स में अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे नाम जरूर सेंड कीजिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।